नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक एंड बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस YouTube चैनल माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो कि आपके पास समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेके है। जैसे कि आप जानते हो सभी, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ ही नहीं बल्कि सभी RBO में बहुत बड़ा अगस्त के महीने में बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम करना ही करना है। बहुत से CSP बहुत पहले सोशल सिक्योरिटी स्कीम को नहीं करते थे, लगातार BC बोलता था उनसे, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। बैंक के द्वारा भी प्रेशर बनाया था, फिर भी वो ध्यान नहीं देते थे। उनको केवल पर ट्रांजेक्शन से मतलब होता था, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कोई भी योगदान नहीं देते थे। तो ऐसे में यदि आप ये गलती कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी में आप बैंक का योगदान नहीं कर रहे हो, अपने बीसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप आपकी डेडलाइन शुरू होने वाली है। यहाँ पे साफ दिया हुआ आल CSP पॉइंट क्लोज टुमारो, ऐसा हमारे यहाँ ये हो चुका है। जिन CSPOs ने अच्छा वर्क नहीं किया है, जो अपना जीरो फिगर बनाए हुए हैं, उन्होंने PMJY, PMSY, PM और APY नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में कल की डेट में उनका हमारे बीसी के द्वारा CSP पॉइंट की ID जो है वो कल बंद रहेगी। फिलहाल अभी परमानेंटली तौर पे बंद नहीं, परमानेंट तौर पे बंद नहीं की जाएगी, केवल टेम्प्रेरी तौर पे बंद की जाएगी। लेकिन हो सकता है भविष्य में उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है इस बात की, और हो सकता है आपके बीसी के द्वारा भी ये बोला जाता हो कि आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं करोगे तो आपका पॉइंट बंद कर दिया जाएगा। कभी अगर आपका पॉइंट बंद नहीं होता, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं तो आपके वहाँ पे देखा, जैसा कि देखा होगा कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले ये चल रहा था, जिन लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं कर रहे थे तो उनके में डिपॉजिट या विड्रॉल का ऑप्शन हटा दिया था। ये ऑप्शन बीसी ने अपनी तरफ से हटाया था। यदि आप उनके काम में सहयोग नहीं दोगे तो सिंपल इस तरीके से आपका किसी न किसी काम में आपको दिक्कत आएगी, आपका कोर्ट तक टेम्प्रेरी तौर पर बंद किया जा सकता है। ऐसे में आप पॉसिस CSPY कहते हैं कि हमें टारगेट कैसे पूरा करें, तो देखिए टारगेट जरूरी नहीं कि आप टारगेट पूरा करो। टारगेट एक वो देते हैं कि इतना आपको करना है, लेकिन यदि आपसे उस उतना नहीं हो रहा है तो भी आप पे जितना आता है, जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आते हैं, आप कोशिश करो कोई भी कस्टमर खाली ना जाए। किसी को PMSY दे दो, किसी को PMJ दे दो, किसी को APY दे दो, जिससे कि आपका टारगेट कंप्लीट होता रहे। टारगेट का मतलब ये नहीं है कि आपने उन्होंने 50 दिए तो आपको 50 करने ही करने हैं, मतलब उनका ये, यदि आप एक टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको एक सम्मान दिया जाएगा, एक आपको पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन यदि आप वो नहीं फैसिलिट होने की स्थिति में नहीं हो कि आप हम फैसिलिट नहीं हो पाएंगे, इतना नहीं कर पा रहे, आपके पॉइंट पे भीड़ कम रहती है या कस्टमर का, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि जो भी आप मान लो 20 ट्रांसफर करते हो तो उसमें से 5, 6, 7, 8 तो रोजाना कोई ना कोई आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम कर सकते हो। कुल मिलाकर कोई भी कस्टमर आता है, वो जिस एज का है उस एज के हिसाब से आप उसे बीमा उसका कीजिए, उसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।